हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हीरो एचएफ डीलक्स के टॉप 5 नेगेटिव पॉइंट्स। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए सड़क पर वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ यार भाई को सपोर्ट कर दो ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और मैं आपके लिए नई नई रोज़ वीडियो लेके आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका फर्स्ट वीडियो में शुरू चलिए दोस्तों बिना आपका वक्त गुजारे मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब मैं आपको इसका पहला नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ, वो है वाइब्रेशन। ये देखिए दोस्तों, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। खड़ी बाइक में तो नहीं है, आपको भी नहीं लग रहा होगा, देखिए कुछ भी नहीं है खड़ी बाइक में तो। पर ये जब 60+ या 50+ चलती है तो बहुत वाइब्रेशन करती है दोस्तों। वैसे सितरासी तो पहुंचता ही बहुत बुरी तरह हिलने तक लग जाती है। अब बताता हूँ आपको इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसकी प्राइस। इसमें तो ज़्यादा नहीं है पर आप नई बाइक लोगे तो उसमें आपको 100 cc की बाइक में भी बहुत ज़्यादा प्राइस भुगतनी पड़ेगी इस बाइक को बाइक करने के लिए। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इसकी लाइट। रात में तो दोस्तों बहुत ख़राब है, कुछ दिखता ही नहीं आगे का। वहीं अगर आगे से कुछ बाइक वगैरह आ रही हो फिर तो कहना ही क्या, कुछ भी नहीं दिखता के। इसका चौथा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों ये साइलेंसर वाला गार्ड, क्योंकि इस स्क्रू के बीच में ये देखिए पूरी अंगुली जा रही है, इतना गैप है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा गैप है। और जब भी कोई बैठता है तो वो सीधा यहीं पे पैर रखता है, ना कि यहीं पे। कितना भी बता दो उसको, सिर्फ सीधा यहीं पे रख के रखते हैं और ये बार बार टूटता है। तो इसको गैप को आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए एरो को मेरे ख्याल से, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे बचें, ये कम टूटे। और ये मेरी में तो महीने दो महीने में टूट जाता था। मैंने 4-5 बार तो चेंज कराया, फिर इसको मैंने यहाँ से बेल्ट करवा लिया, गैस वेल्डिंग की मदद से इसको परमानेंट वेल्डिंग करवा लिया। तो मेरे में तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पर इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे करना चाहिए गैप को। ये देखिए यहाँ से देखिए आपको कितना गैप दिख रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा है। पांचवा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों इसका ये हैंडल। ये देखिए दोस्तों बहुत परेशान कर रखा है इसने, ये बहुत ऐसे वाइब्रेट होता है, देखिए आपको दिख रहा होगा बहुत बुरी हालत कर देता है। सड़क पर तो और दिख जाता है, बस सभी कच्चे में बाइक चलानी हो तो ये बहुत परेशान करता है। चलिए दोस्तों, हम मुझे आगे दीजिए, जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर वीडियो में कोई कमी लगे तो कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।